नमस्कार, चटपटी व्यंजन में आपका स्वागत है। आज हम खीरा का सब्जी बनाएंगे जो बहुत ही पौष्टिक होती है। एक बड़ा साइज का खीरा इसे धो के टुकड़ों में काट लिए है। इसे काटने से पहले दोनों किनारों का तीखापन निकाल लेंगे और इस तरह से छील के धो के काट लेंगे। और एक छोटा साइज प्याज, तीन चार हरी मिर्च को चीरा लगा लिए हैं, दो तेजपत्ता, एक टमाटर छोटा साइज, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फोरन के लिए जीरा, कसूरी मेथी, नमक और सरसों का तेल। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें तेल डाल के तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गई है, अब इसमें जीरा डाल देंगे। तेजपत्ता को भी डालेंगे। जीरा चटक गई है, अब प्याज डाल देंगे। हरी मिर्च को भी अब डाल देंगे। प्याज को ब्राउन होने तक भून लिए हैं, अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इसी में टमाटर को भी डाल देंगे। मसाला को अच्छी तरह से मिला लिए है, अब इसमें खीरा को डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार, और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक देंगे और बीच बीच में चेक करेंगे, आंच को धीमी कर देंगे। इसे चेक कर लेते हैं। इसे 5 मिनट भून लिए हैं, अब पानी डाल देंगे। हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी को डालेंगे। अब इसे ढक के पकने देंगे। 10-12 मिनट हो गए हैं, अब इसे चेक कर लेते हैं। ये पूरी अच्छी तरह से गल गई है, सब्जी बन के तैयार है। अब इसे गैस ऑफ कर देंगे और सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। खीरे की पौष्टिक सब्जी बन के तैयार है। खीरा का आप सलाद खाते हैं उस तरह का भी खीरा का बना सकते हैं, लेकिन अगर कड़ा बीज वाला खीरा का आप सब्जी बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसे अगर आप कभी नहीं बनाए हैं तो एक बार इस तरह से बना के देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।